अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करने से पहले हमने कहा था कुछ देर की, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो 10 to 20% होता है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर इन अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल फॉर्म सच एज हीट। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10 से 20% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो कि अनयूजुअल फॉर्म और हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी चेंजेस इवन दो एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस अर्थ के अंदर जो भी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसके फॉर्म में चेंज हो सकता है। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इन एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सम एनर्जी एस्केप्स फ्रॉम द इकोसिस्टम यूजुअली एज हीट। इट मींस एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दिस इज कन्वर्टेड, दिस इज ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म। और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो पहली बार वर्ड यूज किया था वो यूज किया था चार्ल्स एल्टन ने। और ये जो पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स क्या होता है, एक स्केल के ऊपर बेस्ड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर मास ज्यादा होगी, जहां पर नंबर ज्यादा होंगे उस प्रोपोर्शन में उसको बनाया जाएगा। और जैसे जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चाहे बायोमास हो, चाहे नंबर हो, चाहे एनर्जी हो, जैसे जैसे कम होता जाएगा हम उसको नोटिफाई करते जाएंगे और इससे क्या होगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक पिरामिड फॉर्म होगा। और ये जो पिरामिड फॉर्म होगा ये डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल पिरामिड में डिफरेंटली एक्ट करते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, जैसे आपकी ये इसमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल। पर पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होता है, जिसको मैं एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें क्या होगा कि अगर नंबर की बात करेंगे तो कहीं पर एक होगा, पेड़ एक है, उसके ऊपर बर्ड्स के नंबर ज्यादा होंगे और हर बर्ड के ऊपर अगर हम कहेंगे 10 10 लीच या 10 10 कोई पैरासाइट है, वो हर बर्ड के ऊपर तो उसके नंबर ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये पिरामिड जो होगा इन्वर्टेड होगा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड दो तरह के होते हैं, एक होता है अपराइट सीधा ट्रायंगल और दूसरा होता है इन्वर्टेड जिसमें उल्टा ट्रायंगल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर की बात करेंगे, अगर हम बायोमास की बात करेंगे, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एक स्केल के बेसिस पे होगा, एक नंबर के बेसिस पे होगा और इस तरह से फॉर्मेशन होगा। पिरामिड तीन तरह का होता है, एक को कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है, बायोमास होता है वेट पर यूनिट एरिया। किसी भी अगर हमने कहीं लैंड की बात कर रहे हैं, हमने 1 मीटर में से पौधे उखाड़े, तो पौधे को उखाड़ने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसका जो वजन आया इतने किलो पर मीटर स्क्वायर, इतने टन पर हेक्टेयर। तो बायोमास मीन्स मास पर यूनिट एरिया, किसी निश्चित क्षेत्रफल में उसका कितना वजन है। नॉर्मली दिस इज ग्रीन बायोमास और दिस इज ड्राई बायोमास। तो बायोमास इज बायोलॉजिकल मास। तो बायोलॉजिकल मास का मतलब है कि उसका कितना वेट है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर।
एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी अगर हम जूल में है तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। हमने कहा था 10% के आसपास एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, इसके पिरामिड कैसे होंगे और इनका एग्जाम्पल क्या है। और पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, खूब घासें हैं, पर उसके ऊपर फीड करने के लिए 2-3 हर्बीवोर हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ पिरामिड, तो पिरामिड 3 तरह का है। बायोमास, तो बायोमास का बायोलॉजिकल मास, और साथ साथ इसलिए मैं इसको कहना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी माने मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्यों, क्योंकि दिस इज डायनेमिक वैल्यू, प्रोडक्टिविटी इज डायनेमिक वैल्यू, प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो मास पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर लैंड में उसका कितना वजन था उसको पर यूनिट एरिया की हम बात करेंगे तो बायोमास होगा। प्रोडक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि किसी निश्चित समय में कितना प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हम कहते हैं मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान से क्या प्रोड्यूस निकल के आया है, दिस इज प्रोडक्टिविटी। तो बायोमास सिंपल मास पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। तो हम अभी जब पिरामिड की बात करेंगे तो पिरामिड ये हमने आपको डिस्कस भी कर दिया था कि पिरामिड क्या होगा, एक डिफिनिट स्केल पर ड्रॉ होगा, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो बायोमास है, और जैसे जैसे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कम या ज्यादा होगा हम उसको उस तरह से फॉर्म करेंगे। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब हुआ कि मास पर यूनिट एरिया, उस बेसिस पर हम जब पिरामिड बनाएंगे तो हमारा क्या है, जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो अपराइट होता है, जैसे एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, और वो इन्वर्टेड भी होता है। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो 2 तरह के होगा, एक सीधा ट्रायंगल होगा और एक उल्टा ट्रायंगल होगा, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम अपराइट की बात करते हैं तो देखिए एक पेड़ का मास, देखिए एक पेड़ का वजन, अगर हम वजन ले रहे हैं तो एक पेड़ का वजन, उसके ऊपर अगर हम कहते हैं कि एक पेड़ है और 50,000 बर्ड्स उसके ऊपर फीड कर रही हैं, उनका वजन ले लीजिए ड्राई वेट, और हर बर्ड के ऊपर बग्स होंगे, ठीक है, पैरासाइट्स होंगे, उनको और निकाल लीजिए, हर बर्ड के ऊपर हम कह रहे हैं कि 10,000 बग्स हैं, उनको ड्राई कर लीजिए, उनको ड्राई करने के बाद हम उनका वजन ले लेते हैं तो क्या होगा, पेड़ का वजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्ड्स फीडिंग ऑन दिस ट्री, और बर्ड्स का वजन ज्यादा होगा हर उस पैरासाइट पे जो उस बर्ड के ऊपर फीड कर रही है। तो ये एक एग्जांपल है, इसका मतलब है कि पेड़ का वजन ज्यादा होगा, बर्ड्स का वजन उससे कम होगा, और बग्स या जो पैरासाइट्स हैं उनका वजन उससे कम होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहां पर पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब है मास पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, और इसी में जो हम कह रहे हैं कि पिरामिड इन्वर्टेड होता है उसमें देख लीजिए, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर देख लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स लाइकेन है, ठीक है, मॉसेस हैं, इनका वजन, और उसके ऊपर जो नंबर ऑफ फिशेज, स्मॉल फिशेज हैं जो फीड कर रही हैं, उनका वजन इससे ज्यादा होगा, और जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको जब बड़ी कार्निवोरस फिश फीड कर रही है उसका वजन इनसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर हजारों फाइटोप्लैंक्टन्स डाइटॉम्स जिनको छोटी मछलियां फीड कर रही हैं उनका वजन ये फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगी,
दस या बीस या पचास छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली फीड कर रही है, तो उसका नेचुरली उसका वजन जो होगा वो स्मॉल हर्बीवोर फिशेस से ज्यादा होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। दिस इज ऑफ टू टाइप, वन इज अपराइट पिरामिड, अनदर इज इन्वर्टेड पिरामिड। एग्जांपल इज द वेट ऑफ ट्री इज हायर देन द वेट of birds feeding on this tree, and the weight of bird is higher than the bugs or parasites survive on this bird. This is the example of upright. और इसी के साथ साथ inverted का है कि जो छोटी मछलियां हैं वो large number of phytoplanktons को feed कर रही हैं, पर अगर हम biomass लेंगे तो उसका वजन कम होगा as compared to स्मॉल फिशेस। और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिश को अगर एक बिग फिश फीड कर रही है तो उसका वजन नेचुरली इससे ज्यादा होगा स्मॉल फिशेस से। तो पिरामिड ऑफ बायोमास दो तरह का होता है, एक होता है अपराइट पिरामिड, एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड। दूसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये आप ध्यान दे लीजिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा किसी भी एग्जाम के अंदर, तो दिस इज द ओनली पिरामिड विच इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी वो पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होगा। इसलिए हमेशा अपराइट होगा क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो 10% ही होगा। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। अगर हम कहते हैं कि प्लांट है उसमें 10,000 जूल एनर्जी है और जैसे ही वो ग्रास ऑपर उसको फीड करेगा ओनली 1,000 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ग्रास ऑपर फ्रॉम दिस प्रोड्यूसर्स। और उस ग्रास ऑपर को जैसे ही कोई रेट फीड करता है तो उसको केवल 1,000 में से केवल 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी। और अगर रेड को स्नैक फीड करता है इसका मतलब है कि उसको 100 जूल जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी रेड को उसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। इसका मतलब है कि ट्रॉपिक लेवल जितना कम होगा, जितना हम डायरेक्टली फीड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस रेड ने ग्रास को फीड किया होता तो उसकी बॉडी में 1000 जूल एनर्जी ट्रांसफर होती, पर वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ था इसलिए जो 10,000 जूल एनर्जी थी उसका केवल 100 गया। मोस्ट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू द कम्युनिटी इज इन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे हमने इस एग्जांपल में कहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कि 10,000 एनर्जी है। ओनली 10-20% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 90% लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का जो पिरामिड इज, दिस इज ऑफ अपराइट टाइप एंड दिस इज ऑफ इन्वर्टेड। तो नंबर ऑफ पिरामिड जो है वो क्या है कि अपराइट और इन्वर्टेड होगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर करता हूं आपको। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं दिस इज अपराइट पिरामिड, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रासेस किसी एक हेक्टेयर जमीन में, उस पर कितनी ज्यादा ग्रास स्पीशीज होंगी, लाखों की संख्या में ग्रास होगी जिसको ग्रास ऑपर, 100 ग्रास ऑपर हैं, 1,000 ग्रास ऑपर हैं, 2,000 ग्रास ऑपर हैं या 10 रैबिट हैं, उसके नंबर कम हो गए जो फीड कर रहे हैं ये ग्रासेस के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और उन रैबिट के ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कर्निवोर है, ठीक है, वो फीड कर रहा है। तो एक कर्निवोर 100 या 50 रैबिट के ऊपर या दो कर्निवोर 100 या 50 रैबिट के ऊपर फीड कर रहे हैं, और जो रैबिट है या ग्रास ऑपर है या हर्बीवोर है वो लाखों संख्या में जो घास है, जो वीड है, जो क्रॉप है उसके ऊपर फीड करेगा। तो जब हम पिरामिड और नंबर की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, हर्बीवोर्स के नंबर उससे कम होंगे, कर्निवोर
और सेकेंडरी कंज्यूमर के नंबर और कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर के नंबर और कम होंगे, इसका मतलब है कि जो ये पिरामिड फॉर्म हुआ है दिस इज ऑफ दिस टाइप। इन्वर्टेड पिरामिड में देखिए एक पेड़ है, ट्री एक है नंबर में, पर उसके ऊपर हजारों की संख्या में या 100-200 की संख्या में बर्ड फीड कर रहे हैं, और उन बर्ड्स के हर बर्ड के ऊपर क्या, अगर नंबर की बात करें तो हर बर्ड के ऊपर क्या है कि 10 या 15 बग्स हैं, पैरासाइट्स हैं। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो दो तरह से होता है, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है तो मैं जरा सा इसको तेजी से जरा सा मूव करूंगा, ठीक है। अब हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे थे तो एक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड आ गया है, इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज कुछ नहीं है, इकोसिस्टम सर्विसेज है कि जिस इकोसिस्टम में हम रह रहे हैं, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो मराइन इकोसिस्टम हो, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम है, उनसे हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सिस्टम, वो इकोसिस्टम हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या अवेलेबल करा रहा है, दिस इज सर्विसेज। और ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये 2006 में मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट के द्वारा इकोसिस्टम किट को डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि द बेनिफिट पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, जो बेनिफिट्स ह्यूमन बीइंग्स को इस इकोसिस्टम से मिल रहा है उसी को हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। और ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसको फिर हमने कैटेगराइज कर दिया स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे हम अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो बेनिफिट तो मिलते ही हैं, क्या मिलते हैं तो हमको अगर बोले लकड़ी भी मिलता है, टूरिज्म मिलता है, इन्वायरमेंट कंजर्व होता है, तो जरा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट, फॉरेस्ट से हमको डायरेक्टली क्या क्या मिलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया, जो फॉरेस्ट से इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट कह रहे हैं। तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है कि इकोसिस्टम से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ये सर्विसेज होती है। और इन सर्विसेज को हम चार कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज। इसका मतलब है हमारी लाइफ में तुरंत तुरंत हमको क्या मिल जा रहा है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करके कौन सी चीजें कर रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल को सपोर्ट करने के लिए कौन सी सर्विस है, और रेगुलेट को कंजर्व करने का काम किसके पास है। तो हम इस तरह से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो भी हमको बेनिफिट मिला इकोसिस्टम से, दिस इज कम्स अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज। पर फॉर सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए हम इसको चार ग्रुप में ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं, कहते हैं सपोर्टिंग सिस्टम इकोसिस्टम सर्विस कौन सी है, प्रोविजनिंग कौन सी है, रेगुलेटिंग कौन सी है। तो इनको समझने के लिए देखिए हम वन बाई वन मूव करते हैं। सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस हम किसको कह रहे हैं, सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस हम कह रहे हैं दीज सर्विसेज मेक इन पॉसिबल फॉर द इकोसिस्टम टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सर्विसेस। इस इकोसिस्टम को मेंटेन करेंगे तभी तो हमको सर्विस मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हम इस इकोसिस्टम को मेंटेन करें ना, इस इकोसिस्टम को सस्टेन करें ना। अगर हम इकोसिस्टम को सस्टेन करेंगे तभी हम नियर फ्यूचर में इसको अवेल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि वो सर्विसेज जो कि हमको जो है कंटिन्यूटी मेंटेन करे, सस्टेनेबिलिटी डेवलप कर दे, जैसे फूड सप्लाई। हमको पता है कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है, एक होता है नॉन एग्जॉस्टेबल। तो जो एग्जॉस्टेबल है जितनी जल्दी जल्दी खत्म करोगे उतना खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल इसको देख लीजिए, ज्यादा आप खर्च करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा और प्राइस इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि प्राइस बेस्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो हमको इसको फूड सप्लाई को मेंटेन करना है ना, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे, फर्टिलिटी मेंटेन करेंगे तभी तो प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे। तो ये सपोर्टिंग सर्विस है। फ्लड रेगुलेशन, फ्लड रेगुलेट करेंगे तो वाटर टेबल डेवलप होगा, वाटर टेबल डेवलप होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मेंटेन होगा। आपको पता है कि 97%
और 71% जो है वो ओशन है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। 1-2% टोटल अवेलेबल वाटर का हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आ सकता है, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो पूरा अर्थ में 71% एरिया के अंदर पानी है, पर हमको 1% पानी ही अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, वाटर को मेंटेन करना पड़ेगा, वाटर को प्योरीफाई करना पड़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं, तो नियर फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अगर हम उसको मेंटेन करेंगे, लैंड को मेंटेन करेंगे, फर्टिलिटी को मेंटेन करेंगे, तभी तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी। अगर इरोजन कंटिन्यूअसली होता जाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी, इसका मतलब कि आने वाले टाइम में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सॉइल फॉर्मेशन, हम कहते हैं कि रॉक से सॉइल फॉर्मेशन में हजारों साल लग जाते हैं, और जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये होता है वेदरिंग से, कंटिन्यूअस हॉट एंड रेन, हॉट एंड वाटर धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन होने में हजारों साल लग जाते हैं, पर जब सॉइल इरोजन होता है तो टॉप 10 सेंटीमीटर सॉइल इज मोर फर्टाइल, और जब मिट्टी कटती है, मिट्टी बहती है, तो फर्टिलिटी लूज हो जाती है। हैबिटेट प्रोविजन, हैबिटेट का मतलब है एक्चुअल लिविंग कंडीशन, हमारे लिए कौन सा बहुत अच्छा है। बेस्ट सुटेबल कंडीशन इज आवर हैबिटेट। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेर, एशियाई शेर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ईरान, इराक, इंडिया, ये बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्रफल था जहां एशियाटिक लॉयन मिला करते थे। नाउ द एक्चुअल लिविंग कंडीशन, जिसको हम बोले हैबिटेट, इज सेफ इन गिर फॉरेस्ट गुजरात। आज केवल वो लोकलाइज हो गए। एशियाटिक लायन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एशिया के अंदर था, आज की डेट में वो केवल गिर फॉरेस्ट गुजरात में हो गया। तो हम हैबिटेट की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी भी प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो बेस्ट लिविंग कंडीशन होती है उसे बोलते हैं हैबिटेट। जब तक पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, बटरफ्लाई है, इंसेक्ट्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बैट, इंसेक्ट्स, ठीक है, बटरफ्लाई, 90% ऑफ द पॉलिनेशन इनके द्वारा होता है, जो कि हम उसको बहुत ज्यादा उसको देख नहीं रहे ना, पर 90% ऑफ द पॉलिनेशन इज बाय दिस इंसेक्ट्स, बैट्स, बटरफ्लाईज। और एग्रीकल्चर के अंदर 30% एग्रीकल्चर क्रॉप के जो पॉलिनेशन हो रहा है फसलों का, वो इनके द्वारा फ्री सर्विस दी जा रही है। तो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, पर हम सपोर्टिंग सर्विस का मतलब कि न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन कर लें, हैबिटेट को मेंटेन कर लें, सॉइल इरोजन को मेंटेन कर लें, और ये जो पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, चाहे वो इंसेक्ट है, इस अर्थ के ऊपर जितनी इंपॉर्टेंस हमारी है, उतनी इंपॉर्टेंस इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु और पौधे की है। हमने अगर किसी को भी डिस्टर्ब किया, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब दिस टॉपिक लेबल। दूसरा, हमने बात की सपोर्टिंग सर्विस का मतलब है कि इसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए फूड सप्लाई कैसे कंटिन्यू हो, फर्टिलिटी कैसे कंटिन्यू हो, पॉलिनेशन कैसे कंटिन्यू हो, उसकी डिस्कस किया था। प्रोविजनिंग सर्विसेस, वो सर्विसेज जो हमको डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, हमको डायरेक्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है फॉरेस्ट से, फ्यूल वुड मिल रहा है, फॉडर मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, जेनेटिक रिसोर्सेस। जेनेटिक रिसोर्सेस का मतलब ये है कि हम जो नए नए रोज रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो एनिमल के फील्ड में हो, चाहे हम जिस भी फील्ड के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो प्योरिटी ऑफ वाटर, इकोसिस्टम को कैसे प्योर वाटर प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिनल प्रोड्यूस कैसे दे रहा है, कैसे हम बायोमास को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हमको जो डायरेक्टली मिल रही हैं, दिस इज कम्स अंडर प्रोविजनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज।
रेगुलेटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर है कि हम जो कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, हाउ वी रिड्यूस, हाउ वी गो फॉर दिस सिक्वेस्ट्रेशन और मिटिगेशन, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हम उसको कैसे कम करें, हम उसको कैसे स्टोर करें, हम उसको कैसे मिटिगेट करें, रेगुलेट करें, हम कैसे उसके इमिशन को चेक करें, हम कैसे रेगुलेट करें, तो हमको रेगुलेट करना इसके अंदर है कि जो हमारे पास इकोसिस्टम सर्विसेज है उसको कैसे कम करें, जो कि वेल बीइंग के लिए हो, जो कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन के लिए हो। प्रीडेशन रेगुलेट बाय प्रे पॉपुलेशन, हम किसी चीज का बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो कर रहा है पर बहुत इंसेक्ट्स लग गए उसमें, बहुत फंगस लग गए, हाउ वी मिनिमाइज दिस डैमेज, तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज। वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इसका मतलब है कि हम कैसे सॉइल इरोजन को रोकें, हम कैसे सॉइल को कंजर्व करें, हम कैसे वाटर के कंटामिनेशन को चेक करें, हाउ टू मेंटेन दिस वाटर एंड एयर प्योरिफाई प्योर, इंसेक्ट और पेस्ट को कैसे कंट्रोल करें, फ्लड को कैसे प्रोटेक्ट करें। इसका मतलब है कि हमारे को ये सोचना पड़ेगा, हमको उन मींस को डिस्कस करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूसली हमको सपोर्ट प्रोवाइड करे, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करे। तो हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट दिस, कार्बन की कंसंट्रेशन कैसे कम करें, वाटर और एयर को कैसे प्योरीफाई करें, डिजीज को कैसे रोकें, प्रीडेशन को कैसे कम करें, फ्लड को कैसे प्रोटेक्ट करें, दीज आर रेगुलेटिंग सर्विसेज। और इकोसिस्टम सर्विसेज में चौथा जो है वो कल्चरल सर्विसेज है। कल्चरल सर्विसेज का मतलब है कि हमको जो ये सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, बहुत सी चीजें सिखाता है। अगर हम एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल पे इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि आपने हनी भी देखी होगी, हनी भी देखा तो उसके अंदर चार होते हैं, फीमेल भी होती है, मेल भी होती है, वर्कर होते हैं और आपके ये जो उसके हाइव की रक्षा करते हैं। ऐसी हमारे भी समाज के अंदर क्या है कि हमने कैटेगराइज करा है, किसी का काम है साफ करने का, किसी का काम है कुछ है, किसी काम कुछ है, ठीक है। बर्ड्स को देख करके हमने एरोप्लेन बनाया, तो हमको बहुत सी चीजें, एथिकल चीजें, कल्चरल चीजें हमको ये इकोसिस्टम देता है, किस तरह हम इसको कंजर्व करें और उसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इकोसिस्टम सर्विस का मतलब है कि इकोसिस्टम हमारे वेलबींग के लिए क्या क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आती है। और इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, इसको चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया। इसके बाद की भी दो स्लाइड्स हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप नोट्स के पास आपके पास होंगे कि क्या क्या चीजें किसके अंदर आती है। फिर हमने इकोसिस्टम सर्विसेज को चार में कैटेगराइज किया था, सपोर्टिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज था, कल्चरल सर्विसेज था और रेगुलेटिंग सर्विसेज थी, ठीक है। इसको मैं स्किप करते जाता हूं क्योंकि इसको मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या है, नेचर बैलेंस ये सब है, और ये फिर फर्दर कैटेगराइज कर दिया था कि क्या क्या चीजें किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया था। अब एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो असाइंड किया गया था मुझको, क्योंकि टाइम मैं 15 मिनट आपको दूंगा, जो भी आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगले 15-20 मिनट के अंदर मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हमने आपको कहा था कि इकोसिस्टम क्या हुआ, इकोसिस्टम क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इस बेसिस पर क्या है कि हमको इसको कैटेगराइज करते हैं। दो कैटेगरी ब्रॉडली है, वो एक होता है टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरिटोरियल इकोसिस्टम का मतलब है लैंड इकोसिस्टम, इस धरती के ऊपर जो इकोसिस्टम चल रहा है, और जो वाटर के अंदर इकोसिस्टम है उनको हमने ब्रॉडली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। हम पहला डिस्कस करते चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का शुरू करते हैं। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या इकोसिस्टम फाउंड ओनली ऑन लैंड फॉर्म। आपको पता है इस अर्थ का 71% ओशन है, 29% के आसपास लैंड है, ठीक है, जो कहीं अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है, 510 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में को हमने क्या है कि 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है जब हम क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा टुंड्रा इकोसिस्टम, फिर टैगा इकोसिस्टम, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अब हम जब इसको डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार आपको क्या है कि अपने दिमाग में ग्लोब को लाना पड़ेगा, वर्ल्ड का जो ग्लोब है, अर्थ का जो ग्लोब है, उसको लाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है, ठीक है। एक जो सेंट्रल पॉइंट है, एक तो होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, पोल से पोल को जोड़ता है। लैटिट्यूड क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। जीरो पॉइंट जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर लाइन, ठीक है। इक्वेटर लाइन से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन रेज स्ट्रेट पड़ती है, इसका मतलब है कि वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडायवर्सिटी वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जैसे जैसे हम नॉर्थ साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 बायोडायवर्सिटी कम होती जाएगी। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ग्लोब होना चाहिए कि टुंड्रा होगा कहाँ, टैगा होगा कहाँ, टेम्परेट क्या है, टेम्परेट क्या है 60 डिग्री टू 90 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, 60 डिग्री टू साउथ, आपके कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल रेन जोन क्या होगा, ट्रॉपिकल जोन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ग्रासलैंड क्या होंगे, ग्रासलैंड होंगे 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ अप टू स्नो पॉइंट, जहां तक बर्फ है, बर्फ से पहले, और ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं जिससे 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, जहां पर हम एक वर्ड और इसके लिए सिंपल से यूज करते हैं टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन जो होती है वो इमेजरी लाइन होती है। टिम्बर लाइन का मतलब है कि वो लाइन, इमेजरी लाइन, जहां तक पेड़ हो सकते हैं, अदरवाइज उससे ऊपर क्या होगा, उससे ऊपर होगा श्रब्स, और उसके बाद क्या होगा, ग्रासेस होंगी। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं बुग्याल्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर है। ये जो बुग्याल्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, ये जो एरिया है, ये हमारा जो है वो टिम्बर लाइन और स्नो पॉइंट तक, जहां पर स्नो है उसके बीच का एरिया होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ये ऊपर को सब ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो क्या है कि हमारा ग्रासलैंड जो है वो तो श्रिंक हो रहा है। और डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब है जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि जो राजस्थान का एरिया है, 60% ऑफ द राजस्थान एरिया इज डेजर्ट, और इट इज कैटेगराइज इनटू सेमी डेजर्ट, डेजर्ट। जैसलमेर का एरिया है ये पूरी तरह से डेजर्ट है। सेमी डेजर्ट का मतलब है कि उसके साथ वेजिटेशन है। और ये डेजर्ट क्यों है, ये डेजर्ट इसलिए है कि हमारे देश के अंदर जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, और जब साउथ वेस्ट मानसून से आपके वेव्स चलती हैं, इसका जो प्लेसमेंट है अरावली हिल्स का, इसका प्लेसमेंट पैरेलल है, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून जाती है वो स्किप कर जाती है, हिमालय टकरा के वहां रेनफॉल करती है, पर इस राजस्थान के एरिया में कम करती है वहां रेनफॉल,
कहां करती है? ये करती है जयपुर, उदयपुर और दिस बांसवाड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे यहां पर जो पठार है, ये पठारों की जो हाइट है वो हजार, एवरेज 1000 मीटर है समुद्र तल से, ठीक है। तो अगर इसका पैरेलल प्लेसमेंट ना होता, वेव्स के पैरेलल जो आपके मानसून जा रहा है इसके पैरेलल होने कारण क्या है कि यहाँ पर ये उससे स्ट्राइक नहीं करती, इससे टकराती नहीं और रेनफॉल नहीं करती है, और ये आगे स्किप करके हिमालय से टकरा करके वहां पर रेनफॉल करते हैं, इसलिए ये वाला जो जोन है ये डेजर्ट जोन है। पर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं टुंड्रा। टुंड्रा सिचुएटेड है नॉर्थ पोल इन द आर्कटिक सर्किल, और ये सबसे कोल्डेस्ट है। जैसे हमारे देश के अंदर भी देखिए लेह है, लेह इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है कि वहां पर रेनफॉल बहुत कम है, ना के बराबर है, पर इन विंटर वहां पर क्या है, वेजिटेशन नहीं है, विंटर में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। तो राजस्थान हॉट डेजर्ट है पर लेह लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। तो इसी तरह टुंड्रा जो है वो आर्कटिक सर्किल में नॉर्थ पोल में है, जो कि कोल्ड है और ड्राइस्ट एरिया है। यहां पर जाड़े में टेम्परेचर -34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कुछ मंथ, 1 से 2 महीना ऐसा होता है जब वहां पर कुछ वेजिटेशन आती है, जब वहां पर टेम्परेचर 3 डिग्री से लेकर -12 डिग्री के बीच रहता है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल। और द वर्ड टुंड्रा, ये जो वर्ड टुंड्रा था वो फिनिश वर्ड है टंटूरिया। टंटूरिया का मतलब है वो एरिया जहां पर पेड़ नहीं होते, वो एरिया क्यों? क्योंकि वहां पर स्नो बेल्ट है, वहां पर केवल 1 या 2 महीने के लिए ही टेम्परेचर 0 से ऊपर रहता है, तो वहां पर पेड़ नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा था बुग्याल्स है, हमने कहा था टिम्बर लाइन है। टिम्बर लाइन का मतलब है कि वो लाइन जिसके ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर जो ग्रोइंग सीजन है वो 2-3-4 महीने ही रहता है, ठीक है। तो जब 4 महीने के लिए स्नो मेल्ट होती है तो वहां पर ग्रासेस ग्रो कर जाती है, फिर 3-4 महीने के बाद फिर बर्फ पड़ जाती है। तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं टुंड्रा, ये होता है आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक का मतलब है नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया है जहां पर केवल 2 महीने, कम से कम अधिक से अधिक 2 महीने तक ही वेजिटेशन मिल सकती है। और अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा का मतलब है वो एरिया जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम कवर रहता है स्नो से। द आर्कटिक टुंड्रा इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड द अल्पाइन टुंड्रा इज आर हाई इन द माउंटेन्स अबव ट्री। तो टिम्बर लाइन से जो ऊपर का एरिया है वो अल्पाइन टुंड्रा है, और जो नॉर्थ पोल के नजदीक आर्कटिक सर्किल के नजदीक है वहां पर। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल मिलता है जिसको हम बोलते हैं पोलर बियर, ठीक है। इसको स्किप करते जा रहे हैं, क्यों? वहां वेजिटेशन कम है क्योंकि सॉइल इज वेरी पुअर, क्योंकि ग्रोइंग सीजन यहां नहीं मिलता, यहां पर रेनडियर्स मिलते हैं। दूसरा जो हमारा इकोसिस्टम था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, वो टैगा, द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्सटेंड अक्रॉस ये पूरी दुनिया में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में मिलता है, नोन एज कोनीफेरस फॉरेस्ट और बोरल फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट, आप अगर यहां पर रहते हैं तो आप देखिए चीड़ जिसमें निडिल होती है उसको बोलते हैं कोनिफर, और इस तरह का फॉरेस्ट देवदार फॉरेस्ट है, चीड़ फॉरेस्ट है, एबिस पिंड्रो है, पाइसिया स्मिथियाना है। तो इस तरह का फॉरेस्ट हमारे देश में मिलता है 250 मीटर समुद्र तल से, 250 मीटर से सॉरी 2500 मीटर से लेकर के ऊपर का जो एरिया है अप टू टिम्बर लाइन, वो फॉरेस्ट जो होता है वो कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है। इसलिए ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक इडेफिक एंड टोपोग्राफिकल फैक्टर्स स्पीसीज वेरिएशन होता है। अगर हमारे देश के अंदर चीड़ मिल रहा है, देवदार मिल रहा है, फर मिल रहा है, स्प्रूस मिल रहा है, इसको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था
चीड़ माने पाइनस, देवदार माने सिड्रस, एबीज पिंड्रो ठीक है फर, पाइसियस मिथियाना, एबीज पिंड्रो पाइसियस मिथियाना जो है वो 3000 मीटर से लेकर के उससे ऊपर, और कहीं कहीं अगर हम नॉर्थ आस्पेक्ट की बात करेंगे तो 3000 से कुछ नीचे मिलते हैं, पर ये निडिल फॉर्म होते हैं और इस फॉरेस्ट को तो डिफरेंट प्लेसेस पर स्पीशीज वेरिएशन हो जाता होता है ठीक है। और यहां पर विंटर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और समर्स के अंदर कुछ उसमें रेनफॉल होता है जिससे ये वेजिटेशन ग्रो कर रहे हैं। अगली हमारे इकोसिस्टम में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट उनको कहते हैं या डेसिडियस उसको कहते हैं वो प्लांट्स वो ट्रीज जो साल भर के अंदर किसी पर्टिकुलर पीरियड में अपनी कंप्लीट लीफ को फॉल करते हैं, इट मे बी 6 days to 6 months। वो पौधे जो साल के किसी निश्चित समय में अपनी कंप्लीट लीफ को फॉल कर देते हैं, उनकी कंप्लीट लीफ, वो प्लांट कंप्लीट लीफलेस होता है, और ये जो पीरियड है ये पीरियड 6 दिन से लेकर के 6 महीने तक होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि उन प्लांट्स को डेसिडियस कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर समय के में अपने पूरे के पूरे पत्तों को गिरा देगा। वो 6 दिन तक के लिए भी हो सकता है कि लीफ गिरने और लीफ आने के बीच में 6 दिन का टाइम हो, और लीफ गिरने और कंप्लीट लीफ आने में 6 महीने का टाइम हो। तो ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। और इन हिल्स दिस पीरियड इज इन विंटर, वो जो डेसिडियस प्लांट होते हैं वो पहाड़ों में तो विंटर में होते हैं, और इन प्लेन्स जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर ये समर में अपनी लीफ फॉल करते हैं। दिस इज प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट की फिजियोलॉजी है कि टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, वो अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं अपनी अपनी पत्तियां गिरा देती है टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए ये पत्तियां गिराते हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हुआ जो कि समुद्र तल से, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 60 डिग्री, अगर हम ग्लोब को ध्यान दें तो वहां पर ये मिलते हैं, ये टेम्परेट जोन पर होते हैं जहां पर जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होगा ठीक है, जहां पर विंटर प्रोलॉन्ग होगा। तो उस एरिया में जो पौधे मिलते हैं जो डेसिडियस नेचर के होते हैं ठीक है, इस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, चारों के चारों सीजन जो है आपको बहुत क्लियर देंगे, पर इनके पीरियड में वेरिएशन होगा। हर पीरियड करीब करीब 3-3 महीने का होगा। और ये जो अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, और यही वो सॉयल है जो कि बहुत फर्टाइल होती है, जहां की सॉयल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। यहां पर क्या है, ब्लैक बियर और वोल्फ मिलते हैं। इसमें ग्रेजिंग सीजन जो है वो 6 महीने का होता है ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि ये डेसिडियस प्लांट्स क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल बनना कम हो जाता है क्योंकि वो प्लांट की फिजियोलॉजी है टू फॉल लीव्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो ये हिल्स के अंदर ये पीरियड अक्टूबर नवंबर विंटर सीजन में आता है, जबकि जहां पर एक्सट्रीम समर होता है ये पीरियड जो होता है वो एक्सट्रीम समर पीरियड के अंदर आता है, जिससे कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दिस इज डेसिडियस फॉरेस्ट। और इन दिस मैप दिस जोन इज, देखिए आपको इसमें दिखा दिया हमने, इक्वेटर जीरो है 30 डिग्री पर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 30 डिग्री to 60 डिग्री साउथ और 30 डिग्री to 60 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द जोन ऑफ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट जोन। 60 डिग्री टू 90 डिग्री इज पोलर, दिस इज नॉर्थ पोल
एंड इन साउथ दिस इज साउथ पोल. तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं टुवर्ड्स साउथ, प्लांट एंड एनिमल डायवर्सिटी इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारा 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ. यहां अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही सबसे ज्यादा डायवर्सिटी होती है और धीरे धीरे ये कम होती जाती है. ठीक है. रेन फॉरेस्ट ये 7% ऑफ द टोटल अर्थ सर्फेस का है. ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है और ये रेन फॉरेस्ट वहीं पर होगा जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होगा. और इस जोन को हम ये भी कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दिस अनदर स्लाइड. ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं पेरियर्स और सवन्ना. और ये वहां पर है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो एरिया होगा वहां ये ग्रासलैंड्स होते हैं. और ये 25% ऑफ अर्थ सरफेस जो हमारे पूरा ग्लोब है उसके 25% एरिया कवर करता है. ठीक है. और ये अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, बाकी पूरी दुनिया में ग्रासलैंड्स अवेलेबल हैं. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट आर द टू काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड आपने आपको क्लियर किया कि इक्वेटर टू 30 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर टू 30 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन. और 30 टू 60 डिग्री नॉर्थ और 30 टू 60 डिग्री साउथ इज टेम्परेट. तो इस जोन के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर या फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है. इसी जोन के अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि जेब्रा, लॉयन, वॉल्स ये सब मिलते हैं और ये पेरियर्स और सवन्ना इनको कहा जाता है. डेजर्ट इकोसिस्टम 20% अर्थ सरफेस हेलो सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल जो है वो डेजर्ट से कवर होता है, बहुत ज्यादा होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है फिर ये बाहर निकल आते हैं और फिर ये अपनी एक्टिविटी करते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम. अब हम डिस्कस करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम डिवाइड कर वो इकोसिस्टम जो कि वाटर के अंदर होता है. इसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मैराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. मैराइन इकोसिस्टम का मतलब है ओशन इकोसिस्टम और फ्रेश इकोसिस्टम का मतलब है फ्रेश वाटर. मैराइन इकोसिस्टम हमने आप पहले भी डिस्कस किया था कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय दिस वाटर मैराइन इकोसिस्टम और 97% ऑफ प्लेनेट वाटर इज अवेलेबल इन दिस एरिया. और ये जो वाटर है ये साल्टी वाटर है, इसमें मिनरल्स हैं बहुत क्वांटिटी में, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. और अगर हम इस मैराइन इकोसिस्टम को कैटेगराइज करें तो हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं इसको कि ओशन इकोसिस्टम, क्योंकि हमने कहा यहाँ सॉल्ट बहुत है, मिनरल बहुत है. ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो इसको कैटेगराइज करा हमने ओशन इकोसिस्टम में और ओरल रीफ इकोसिस्टम के अंदर. और दिस ओशन इकोसिस्टम, क्योंकि आप हमको पता है कि 5 तरह के ओशन हैं, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन. 36,200 फीट डीप मेरियाना ट्रेंच जो है वो इस इकोसिस्टम का सबसे डीपेस्ट पार्ट है. और इस ओशन इकोसिस्टम के अंदर पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन
और यहाँ पर ही एक जो आपके बिगेस्ट मैमल या लार्जेस्ट मैमल जो है वो आपका ब्लू व्हेल पाया जाता है। ठीक है, ओरल रीफ इज द लोकेटेड शैलो क्लियर पोर्शन ऑफ द ओशन मोस्ट ट्रॉपिकल एरियाज। दीज आर इंक्लूडिंग द कोस्टल ऑफ ईस्ट एशिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है, और ग्रेट बैरियर रीफ कवर मोर देन 1200 माइल्स एंड कंटेनिंग 400 स्पीसीज। और इस एरिया के अंदर कोरल रीफ के अंदर क्या है कि 1200 मील का एरिया है इसके अंदर और करीब करीब 400 स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है। और दूसरा इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है इस अर्थ के ऊपर वो 0.8% ही टोटल है और इसके अंदर केवल 0.009% वाटर है। और इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं दो में, लैंटिक, लैंटिक का मीन्स है स्टैंडिंग वाटर पॉन्ड्स, और इनके अंदर जो पानी पाया जाता है उसको लैंटिक इकोसिस्टम कहते हैं, और जो फ्लो कर रहा है रिवर उसको बोलते हैं लैटिक, जिसमें फ्लोइंग वाटर, रिवर के अंदर जो वाटर है, स्ट्रीम के अंदर जो वाटर है, स्प्रिंग्स में जो वाटर है, उसके इकोसिस्टम को बोलते हैं लॉटिक इकोसिस्टम। इसको खत्म करने से पहले क्या है कि हम जरा सा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात कर रहे हैं और इसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन आवर कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है कि वाटर साइकिल कैसे कैसे इवेपोरेशन हो रहा है, कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, कैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इसको समझने के लिए देखिए 84% ऑफ द इवेपोरेशन इज फ्रॉम दिस ओशन। हमने कहा ओशन जो है वो 71% है पूरे अर्थ का, पर उससे क्या होता है कि 84% वाटर वेपर हो रहा है, वाटर इवेपोरेट कर रहा है, और प्रेसिपिटेशन केवल उसमें 77% कर रहा है। इसका मतलब है कि 23% ऑफ प्रेसिपिटेशन इन लैंड सरफेस, जबकि लैंड सरफेस से क्या है कि केवल 16% इवेपोरेशन होता है। तो जो इवेपोरेशन हो रहा है या इवेपो ट्रांसपायरेशन हो रहा है ये ऊपर जाके कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेट कर रहा है, प्रेसिपिटेट करने के बाद कुछ सरफेस फ्लो कर रहा है, कुछ सब सरफेस फ्लो कर रहा है और कुछ वाटर टेबल को इनहांस कर रहा है। और ये साइकिल क्योंकि फिर जो वाटर टेबल के अंदर वाटर है विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिलरी सिस्टम, ये प्लांट द्वारा अपटेक किया जा रहा है, फिर ये इकोसिस्टम के अंदर जा रहा है, सॉरी ये इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो ये साइकिल इस तरह से मूव कर रही है और वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये स्लाइड में